हेलो एवरीवन, मैं दीप्सिका आप सभी का मेरे चैनल में यानी कि दीप्सिकास लाइफस्टाइल में स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ मॉल में, कुछ शॉपिंग वगैरह करना था यानी कि फूड वगैरह कुछ लेना था, तो सोचा कि आप सबको भी थोड़ा सा शेयर करा दूँ मॉल का। तो मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था खाने वगैरह का, और मैं इतना सामान क्यों ले रही हूँ ये बात आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि एक ही बारी में पूरा सब कुछ उठा ले रहा है। तो ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि मुझे अभी इन सब चीज़ों का क्रेविंग वगैरह होता है। तो मुझे खाने का, क्योंकि मेरा मायके का जो घर है वो एकदम टाउन में नहीं है कि मैं जब भी जो भी चाहूँ उसी टाइम मुझे मिल जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो जो अच्छा लगता है एटलीस्ट मैं मतलब मम्मी ने बोला कि तुम्हें जो जो पसंद है एटलीस्ट तुम वो रख के अपना रख लो कि जब भी खाने का मन करे एटलीस्ट उस टाइम पे तुमको मिले, फिर कोई रहता नहीं है जाने के लिए। तो वैसे इसीलिए तो मुझे कुछ कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मैं अब ले रही हूँ। उसमें मम्मी को भी दो तीन सामान लेना था, तो मम्मी भी ले रही है। तो इसके बाद शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर आपके साथ आज आप लोगों के साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट करना है, जो कि कुछ कुछ लोग समझ ही गए होंगे मेरे स्टोरी वगैरह देख के, लेकिन बट मैं खुद से मेरे अपने मुंह से मैं न्यूज देना चाहती हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए कि क्या न्यूज़ है, तो ही मैं बता सकूँगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मॉल के आने के बाद मेरे जो बड़े पापा का बेटी है उनके साथ रास्ते में भेंट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने दीदी ने बोला कि चलो थोड़ा सा कुछ खाते हैं, तो वहीं से बस जूस वगैरह पिए, और उसके बाद दीदी अपने घर और मैं अपने घर। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे बातचीत हो रहा था, मस्ती वगैरह थोड़ा सा हो रहा था, तो दीदी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत खाए और उसके बाद घर आ गए। तो देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, तो प्लीज़ कोई ये मत भूलिएगा कि बहुत सारा शॉपिंग किया है, क्योंकि मैं ये एक दिन में नहीं खाने वाली हूँ। बस मैंने लेके आ गया कि बाद में क्या होता है कि मॉल में जाने से जो चीज़ नहीं भी मन होता है देख के लेने का मन करता है। तो मेरे साथ भी आज वही हुआ कि मुझे आज कुछ कुछ चीज़ लेना था, लेकिन साथ में कुछ कुछ चीज़ देख के ही मैंने ले लिया। तो मैंने फर्स्ट लिया ये कॉम्प्लेक्स, जो कि मुझे अभी ऐसा जब अगर मन करेगा, अगर मुझे सुबह मतलब ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है तो मैं यही खा लूँगी, मतलब रोटी वगैरह नहीं खाने का। तो इधर चावल और चीनी, इधर मम्मी का सामान है। इधर मैंने लिया है चाउमीन, एक ही पैकेट लिया है, अगर देखती हूँ 30 दिन बनाती हूँ। इसके बाद ये लिया है, तो ये क्या था, इसका बाय वन गेट वन फ्री था, तो मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट करके देखूँ क्या है बाय वन गेट वन फ्री। फ्री का सामान तो ज़्यादा टेस्टी होता नहीं है, लेकिन सच में ये खाने के बाद लगा नहीं कि ये फ्री वाला सामान है, बहुत ही टेस्टी था, और मैंने भी पहली बार ही टेस्ट किया है। उसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह लिए थे घर के सबके लिए, मतलब सभी खाएंगे उस हिसाब से लिया गया था, तो मैंने घर के लिए वैसे ही रख दिया था। उसके बाद ये सब, ये बिस्कुट जो है मुझे बहुत पसंद है, डार्क फैंटेसी, और इसके साथ मुझे मिला है ये बिस्किट बारबन का। तो ये बिस्किट दोनों के साथ 10 रुपये वाला ये बिस्किट जो है फ्री मिला है। उसके बाद मैंने लिया है काजू, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, काजू और ये पिस्ता और खजूर, ये सब मैंने लिया है जो कि ज़रूरी है। और इधर लिया है मैंने पोहा, तो पोहा कभी मन होने से खा सकती हूँ। इधर एक पैकेट पास्ता लिया है मैंने, और जो कि बाकी जो सामान था, बाकी जो जो भी सामान था वो सब मैंने ले लिया है, मतलब आज मुझे जो जो पसंद है वो सब मैंने ले लिया है। तो ये हजमोला का जो डिब्बा है मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, पैकेट मिल रहा था लेकिन ये फ्लेवर वाला नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही मुझे मिला तो मैंने डिब्बा ही उठा लिया, क्योंकि मुझे ये पहले से ये वाला फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये ले लिया, तो देख सकते हैं आप लोग मैंने कितना क्या क्या बाजार किया। तो यही था शॉपिंग मेरा आज का, तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब, बहुत दिनों के बाद आप सब से फेस टू फेस बातें हो रही है। तो जैसे कि आप सब ने देखा मेरा कल का शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गया, तो कल का ब्लॉगिंग को छोड़कर मैंने तो सोचा कि आप सब से बात कर लूं, क्योंकि बहुत दिनों से बात नहीं हो रहा था फेस टू फेस। तो बहुत सारे बात भी था आप सबसे बोलने के लिए, शेयर करने के लिए। एक मैंने स्टोरी दिया था, तो वो स्टोरी जिसने भी देखा होगा उसको वो समझ गया होगा कि मुझे आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है कि आई एम प्रेग्नेंट।
तो यही बात, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि शुरुआती दौर में किसी को बोला नहीं जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम जाने देती हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं थोड़ा टाइम जाने देती हूँ, फिर मैं सबके साथ शेयर करूँगी। तो सोचा कि आज आप सबके साथ मौका भी अच्छा है, देन आज सोचा कि बातचीत भी कर लूँ, टाइम भी है आज मेरे पास, क्योंकि जैसे कि मैं हूँ मायके में, तो मायके में टाइम ही टाइम होता है, तो ससुराल में थोड़ा काम के वजह से टाइमिंग नहीं मिल पाता है मुझे फेस टू फेस वीडियोस के वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी सोचा कि आप सबके साथ बात मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरा जो प्रेगनेंसी अभी साढ़े फाइव मंथ्स ऐसे चल रहा है। तो मेरा अभी तक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड एंड सेकेंड अल्ट्रासाउंड हो गया है। फर्स्ट का जो है वो तो नॉर्मली 3 मंथ में हुआ था, और सेकेंड जो है वो जैसे कि आजकल एनोमली स्कैन बोल के है, वो हुआ था 19 to 22 weeks के अंदर करना पड़ता है वो, तो मैंने 21 weeks जब हुआ था तब मैंने किया था। तो दोनों ही अल्ट्रासाउंड मेरा हो गया है, तो वो सब भी मैं आपके साथ किसी एक वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट वगैरह क्या आया क्या नहीं आया ये सब, और क्या होता है ये सब अल्ट्रासाउंड वगैरह से क्या नहीं होता है। मेरा मतलब इतने 5-6 महीने का जो जर्नी है वो मैं एक दिन एक वीडियो उसके ऊपर एक बनाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ ये सब। और आप सब भी मुझे बताइए कि आप सबका जिसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है उन सबको क्या मतलब कैसा जर्नी रहा, क्या रहा नहीं रहा, प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब बताइएगा। तो आज मैं अपना प्रेगनेंसी के बारे में इतना नहीं बोलूँगी, बस आज मुझे ये न्यूज़ देना था, बस गुड न्यूज़ देना था इतना ही। तो इतने दिनों से मैं कोशिश कर ही रही हूँ कि वीडियोस देती जाऊँ, और दे भी रही हूँ, 2 दिन बाद ऐसे करके गैपिंग में मैं दे रही हूँ, और लेकिन ये होता है कि वीडियोस को मैं सामने से नहीं बोल पाती हूँ, वीडियोस को मैं मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता, और मैं अभी तक उतना कम्फर्टेबल नहीं हूँ कि मैं किसी भी 3rd person के सामने मैं मतलब ब्लॉगिंग करूँ या फिर बोल सकूँ, वैसा मुझे अभी भी नहीं हुआ है कम्फर्टेबल फील। तो मैं जितना हो सकता मैंने वीडियो बनाती हूँ और बाद में उसको वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो ऐसे तो वीडियो यूट्यूब में बहुत लोग ऐसे करके बनाते हैं जो नहीं सकते, तो देखती हूँ कब तक मैं फ्री होती हूँ, ऐसे कम्फर्टेबल होती हूँ बोलूँगी। तो यही है, अभी तो जैसे कि मैम आई थी 10 तारीख को आई थी मैं ससुराल से, तो आज हो रहा है 19 अगस्त, तो देखते देखते तो 8 दिन चला ही गया अब, और मैं शायद जाऊंगी, ऐसे तो मतलब जाना मुझे विश्वकर्मा पूजा के एक दिन आगे ही है, बट तब तक बोल नहीं सकते, अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे कुछ हुआ तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी मेरा हालत ऐसा नहीं है कि मैं मतलब डेट वाइज जैसा डेट बोलूँ वैसे ही जा पाऊँ, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं उसी टाइम पर मेरा जाना है। तो ये है, तो गर्मी इतना दिया है कि हालत ख़राब हो चुका है गर्मी की वजह से, और इन हालातों में अभी पता ही होगा कि इन हालातों में अभी मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा गर्मी लगता है, मेरा तो ऐसी हालत ख़राब हो रहता है, तो बहुत हालत ख़राब है इतना गर्मी में। तो लेकिन चलो कोई नहीं, मेरा बेबी तो विंटर में ही होगा, तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, पता है देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का जो मैं लेने जा रही हूँ, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस सब लोग बोलते हैं, तो देखती हूँ मेरे साथ क्या होता है तो ही मैं बता पाऊंगी, अभी तक तो फिलहाल मैं ठीक ही हूँ। आफ्टर डिलीवरी के बाद मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप सबके साथ शेयर करने का कि मेरा डिलीवरी ये कैसा रहा नहीं रहा, तो उसमें तो अभी वक्त है, उस बारे में अभी सोचने का फायदा नहीं है। तो यही था, चलिए आज का ब्लॉग लॉन्ग नहीं करूँगी, मुझे बस ये न्यूज ही देना था, हाँ यही बात था। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आगे भी मेरा वीडियोस और ये सब देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।